आज 16 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है शाम के 5:02। 127 अप महमूद कोर्ट से चाला ही है और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HB 2807 8 78। और आज बरोज़ हफ्ता, बाकी अभी ट्रेन में कुछ देर है तो मैं आपको बताता हूँ 130 डाउन के एक्स्ट्रा टाइम के बारे में। यानी 130 डाउन को जो है ना ऐसे फजूल में काफ़ी सारा टाइम दिया हुआ है, जिसके वजह से गाड़ी जो है ना, जैसे अफसरनामा में इसका अराइवल है 9:42 पर शाम रात को, तो इसके जो ऊपर वाले 42 मिनट हैं ये सुकून से यानी कि कम किए जा सकते हैं और गाड़ी 9 बजे तक भी अफसरनामा पहुँच सकती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब 130 डाउन का कुंदिया से डिपार्चर होता है जी 3:10 पर, ठीक है, और उसका अलू अली में कुंदिया से अगला स्टेशन अलू अली है, तो 3:10 से 3:39, ठीक है, 29 मिनट एक स्टेशन के दिए गए हैं। यानी अलू अली से कुंदिया तक, कुंदिया से अलू अली तक पहुंचने के लिए 130 डाउन को, जबकि रनिंग टाइम तकरीबन बनता है ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट्स। तो ऊपर वाले जो 11 मिनट्स हैं ये फजूल के ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। अब 3:10 पर अगर राइट टाइम डिपार्चर होता है तो गाड़ी सुकून से 3:27 तक अलू अली पहुँच जाती है, और उसका डिपार्चर फिर दिया हुआ है जी 3:40 पर। तो ऊपर वाले जो 13 मिनट्स हैं, चलो 2 मिनट स्टाफ के काट लिए जाएँ तो 11 मिनट जो हैं गाड़ी को ऐसे फजूल दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक तो 11-12 मिनट्स इधर से ज़ाया हो गए 130 डाउन के, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है फजूल के। हालांकि अलू वाली में इतना सवारी भी नहीं लगती गाड़ी को, ठीक है, अगर सवारी लगे भी सही तो सनामा में तो इतनी सवारी लगती है, 2 मिनट का स्टाफ है, ईजिली सारे मुसाफिर चढ़ जाते हैं। तो जब सवारी भी मिसाल के तौर पर सारे मुसाफिर बैठ जाते हैं तो गाड़ी को 10 मिनट ऐसे रोलने का क्या फ़ायदा आया।
यानी रुल जाती है गाड़ी, 10 मिनट ऐसे ठहरी जाती है अलवली में अगर राइट टाइम हो तो। तो उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम जो है वो कोटादू से, यानी गाड़ी अगर राइट टाइम हो तो कोटादू 9:08 तक भी पहुंच सकती है, ठीक है पहुंच जाती है। और रात में ट्रैकर पर चेक कर दिया था 1:30 9:10 पर कोटादू में पहुंची हुई थी। अब सनामा का डिपार्चर क्या है जी, 9:43 ठीक है। अब अगर 9:10 पर उस गाड़ी पहुंचती है तो उसको चलाया जाता है 9:25 पर, ठीक है। तो 5 मिनट का स्टॉप काट लें, 10 मिनट इधर जाया, ठीक है। अब 9:10 पर रात गाड़ी पहुंची है, 9:25 पर उसका डिपार्चर करवाया है कोटादू से, 15 मिनट गाड़ी ऐसे फजूल ठहरी रही है, 5 मिनट स्टॉप काट, 10 मिनट ऐसे फजूल, तो 11:10 21 मिनट ये हो गए हैं फजूल, ठीक है। तो 9:43 पर इसका जो है ना सनामा में अरेवल, ठीक है। उसके बाद फिर गुरमानी में जी इसका 9:56 पर अरेवल, जबकि रनिंग टाइम गाड़ी का 5 से 6 मिनट है और गाड़ी को दिए हुए जी 14 मिनट्स, तो 6-7 मिनट्स इधर से ज़ाया हो गए, यानी आधा घंटा तो सिर्फ 3 स्टेशनों का 1:30 को ज़्यादा दिया हुआ है। तो आप खुद सोचें अभी ये रावलपिंडी से मुल्तान तक कितने ऐसे स्टेशन होंगे फजूल जहाँ पर गाड़ी ऐसे ठहरी जाती होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको 3 स्टेशन बताए हैं तो 27 से 28 मिनट गाड़ी के इधर ऐसे फजूल में ज़ाया हो रहे हैं, ना इनका कोई फ़ायदा है। उससे अच्छा यही है जितना देर आप जो है ना गाड़ी के 27 में ज़ाया हो रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि स्टेशनों के स्टाफ बढ़ा दिए गए, यानी जहाँ पर 1 मिनट का स्टाफ है जैसे सनामा में 1 मिनट का स्टाफ है, तो इसका अगर 2-3 मिनट का स्टाफ कर देंगे तो ये भी अच्छी बात है, यानी मुसाफिर भी सुकून से चढ़ सकेंगे और यानी कि काफ़ी अच्छा होगा ये। अब उधर 27-28 मिनट ऐसे ज़ाया कर रहे हैं तो कुंदिया से यानी कि मुल्तान तक जहाँ 1 मिनट का स्टॉप है वहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप कर दें, गाड़ी टाइम टेबल थोड़ा कवर करके गाड़ियों के स्टॉप बढ़ा दिए जाएँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहे, ऐसे ही जो है ना फजूल में टाइम ज़ाया हो रहा है 1:30 का। ये सिर्फ 3 स्टेशन मैंने आपको बताए हैं, एक अलू अली, एक कोटादू और एक सनामा से गुरमानी। तो इधर इसके जो है ना 1:30 के 27-28 मिनट ऐसे फजूल में ज़ाया होते हैं, यानी अब एस्टिमेटेड 1:09 का सनामा में रात को 9:43 है, इसके 43 मिनट ऊपर वाले जो फजूल हैं, 30 तो मैंने आपको बता दिया, 13 मिनट और भी हैं, तो ये 8:55 पर या 9 बजे इजीली जो है ना सनामा पहुंच सकती है, जबकि इसका अरेवल सनामा में 9:43 है। और ये पहुंचते पहुंचते ऐसे समझ लें कि 11:30 बजे तक मुल्तान जाके पहुंचती है, तो इसी वजह से फिर इसमें जो है ना इधर सनामा से मुल्तान तक तो ख़ास सवारी नहीं लगती होगी, यानी बस 1-1 मिनट का स्टॉप करके गाड़ी चली जाती होगी। तो अगर इसका टाइम थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, अभी अटक से भी कुछ स्टेशन ऐसे होंगे, रावलपिंडी से भी कुछ स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पर गाड़ी जो है ना बिफोर टाइम आती होगी, तो इसका टाइम जो है ना कवर करना चाहिए। इसी तरह मियाँ वाली से भी मैंने सुना है 1:30 को काफ़ी सारा टाइम दिया हुआ है, यानी दाऊद खेल से कुंदिया तक 1:30 को 2 घंटे दिए गए हैं, 2 घंटे, सोचने की बात है। 1:07 आपको भी मेरे ख्याल में 1:20 लगाती है कुंदिया से दाऊद खेल तक, जबकि 1:30 को पहुंचने के लिए 2 घंटे दिए हुए हैं, तो 40 मिनट तो इधर ज़ाया हो गए, ठीक है। तो आप इसमें जो है ना इस वीडियो में अपनी राय का इजहार करें कि पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि इसका टाइम चेंज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप खुद सोचें ना कुंदिया सेक्शन यानी कुंदिया से मुल्तान तक इसके 40-45 मिनट ऐसे ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। और उधर से भी मियां वाली साइड से भी इसको जो है ना दाऊद खेल से कुंदिया तक 2 घंटे पहुंचने में मिले हुए हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है, फिर कोई फ़ायदा हुआ, ऐसे ही जो है ना फजूल में 1-1.5 घंटा गाड़ी का ज़ाया हो रहा है। उससे अच्छा इसका जो है ना प्रॉपर अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे ये यानी कि मुल्तान इसका एस्टिमेटेड अराइवल जैसे अब 11:15 है, 11:15 बजे तक गाड़ी पहुँचती है, तो इसका टाइम ऐसा बनाना चाहिए कि गाड़ी 9:30 बजे तक 9 बजे तक मुल्तान पहुंच सके। बाकी मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूं, हम तो सिर्फ राय का इजहार कर सकते हैं, यानी जो बात हमें समझ आती है कि गाड़ी को ऐसा फजूल टाइम मिला हुआ है, तो हम जो है ना अपनी वीडियोस में शेयर कर लेते हैं अपने व्यूवर्स तक। तो अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपने भी यानी कि कमेंट में बताना है। तो अभी 1:07 आपकी लाइट्स विजिबल हो रही हैं, मैं अभी फाटक पे पहुंचता हूं, तो उधर से हम जो है ना 1:07 अब देखेंगे 80-78 के साथ और चलते हैं फिर फाटक की तरफ। 1:07 का अब अराइवल हो रहा है सनामा स्टेशन पर, सॉरी सनामा फाटक पर 80-78 के साथ। तो अब हो टाइम हो चुका है 5:15, वैसे गाड़ी ओरिजिनल टाइम के मुताबिक 3 मिनट्स बिफोर है सनामा तक।
ट्रेन बिल्कुल करीब आ जाए, लोग फिर भी रेलवे ट्रैक पर बैठे रहते हैं। ये देखें आप, सामने देख सकते हैं आप, हैवी स्मोक।